एएस ब्लॉग्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित शशांक। तो दोस्तों एक बार फिर से R15 के पॉपुलर डीलर जहां के वीडियो हम लगातार आपको देते हैं, AR बाइक पॉइंट करामत मार्केट में पहुंच गए हैं। यहां का बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन दिखाएंगे। पीछे साइड देख रहे हैं, इधर RC लगी हुई है, इधर R1 है, उस साइड भी R1 है, सिनेमेटिक में आपने देखा होगा। और इस वक्त हम AR बाइक पॉइंट करामत मार्केट निषादगंज लखनऊ में खड़े हैं। यहां का बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन दिखाएंगे। चैनल पर जो भी पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल हिट करिएगा और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए ऑल सेलेक्ट करिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहां के प्राउड ओनर को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारी वीडियोस पे बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट किए, मैं मोटिवेट किया वो डिस्प्ले पे ये रहे। तो भैया वेलकम टू एस ब्लॉग्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज क्या कलेक्शन दिखाएंगे? आज जो कि अपना फेवरेट है R15 V3 रहेगा, वर्जन 3, वर्जन S, वर्जन 1, सभी मॉडल सारे मिलेंगे R1 के डेडिकेटेड स्टॉक यहां पर AR बाइक पॉइंट में। आपको कभी R1 का कलेक्शन ऐसा नहीं है कि मिस हो जाए। हां ऐसा नहीं, हमेशा मिलेगा। और इसके अलावा आपको FZ मिलेगी, FZ है कि नहीं? मिल जाएगी। अपाचे मिलेगी, ड्यूक भी मिलेगी और आज RC भी खड़ी है। बिल्कुल, 125 जी हाँ, जो ज्यादा से ज्यादा लोग मांग रहे थे। ओके, मतलब RC का शौक पूरा कराएंगे और माइलेज भी दिलवाएंगे। बिल्कुल, तो दोनों ऑप्शन मिलेगा, RC का भरोसा लीजिए, माइलेज भी उठाइए। 125 CC की गाड़ी है। शुरू कहाँ से करें भैया? व्हाइट वाली R1 से शुरू करें? जी बिल्कुल, उसकी डिटेल दीजिए। R15 S है, 2016 का लास्ट मॉडल है। S है 16 का लास्ट मॉडल, कितना चल गई होगी ये? चली होगी समथिंग 13,000-14,000 चल चुकी है। ओके, अब बहुत सारे लोग भैया कहेंगे बहुत कम बता रहे हैं। नहीं नहीं, वो आ जाए और चेक कर लें, जेन्युइन लगे तभी लें। ओके, बाकी भैया कुछ, कोई बाइक अपनी एक्सीडेंटल तो नहीं होती? नहीं नहीं, कोई भी एक्सीडेंट, सारी ओके हैं। बिल्कुल, फर्स्ट ही ओनर है? फर्स्ट ओनर। क्या डिमांड करेंगे इसकी? इसकी 78, 78,000 में 2016 की R1 मिल रही है, वर्जन S है अपने पास। भैया एक पुराना भी है ये, ब्लैक कलर में? बिल्कुल बिल्कुल, वर्जन 1 है। ओके, तो बहुत सारे लोग कम बजट में R1 चाहते हैं, डिमांड करते हैं, तो आज अवेलेबल है। भैया इसका मॉडल बताइए कौन सा है? ये 2011 का मॉडल है। 11 है, ओनरशिप क्या है? सेकंड। ये कितना चल गई होगी? ये समथिंग चलिए 20,000 के आसपास। 20,000? हाँ, 11 मॉडल है, 20,000 चली हुई है। जो भी डाउट हो आइए लड़िए भिड़िए भैया से, सच्चाई निकलवाइए और ना हो चेक कराइए, है ना भैया? बिल्कुल, चेक कराइए तब ले जाइए। ओके, इसका क्या आस्किंग रखेंगे? इसकी 35,000-35,000। हाँ ठीक है, तो 35 में R1 दे रहे हैं। आप लोग ये ना कहिएगा कि 35 में दे ही नहीं रहे, सिर्फ हमने कह दिया है 35 में मिल रही है। आप लोग पूरा वीडियो जब भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा, वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो सबसे कम रेंज की बाइक होती है उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं ताकि हर आदमी। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया 35 की है नहीं, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो 35 अगर लिखा है तो 35 होगी, ऐसा नहीं है कि 35 की नहीं है। एक बाइक ही हो लेकिन होगी। अब आज भैया जिस गाड़ी पे बैठे हैं इस पे बहुत सारे भाई बैठना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसका मॉडल बताइए। ये 2018 का मॉडल है। ओके, और बहुत ही साफ गाड़ी, जिसको कहते हैं साफ गाड़ी है, न्यू कंडीशन गाड़ी है। R1 V3 है ये? जी, R15 वर्जन 3 है। और बहुत प्यारा कलर है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। R15 V3 है, 2018 है। कितना चल गई होगी भैया? 9,000 ओरिजिनल चली हुई है, ऑन रिकॉर्ड 9,000 चली हुई R1 V3 फर्स्ट ओनरशिप। डिमांड भी भैया हम पूछेंगे, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी 1,00,000
28,000 रुपए। 1,28,000 में R1 V3 बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, अभी लेने जाएंगे तो लगभग 160-170 के बीच में देके आएंगे, है ना भैया? प्लस में ही होगा, प्लस में ही होगा। ओके, अब ये तीन गाड़ी R1 दिखा दी। अब बहुत सारे भाई हमारे RC चाहते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि माइलेज वाली RC खड़ी हुई है, 125 cc है भैया, इसकी डिटेल दे दीजिए, कौन सा मॉडल है? 2019 लास्ट मॉडल है ये, 2019 की लास्ट, मतलब ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ओके, ओनरशिप क्या है? कंडीशन भी बहुत ही बेहतरीन, एकदम न्यू कंडीशन में गाड़ी, ठीक है। फर्स्ट ओनरशिप है? फर्स्ट नहीं, सेकंड ओनरशिप है, सेकंड ओनरशिप है, ओनरशिप सेकंड है इसकी। ओके, ओनरशिप सेकंड है, कंडीशन कैसी है भैया? कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है, और ओरिजिनल ये 6,900 कुछ चली हुई, मात्र 6,900 चली हुई आरसी, ओरिजिनल ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ये सब हम लोग गाड़ी जब लेते हैं तो हम लोग भी रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही नहीं ले लेते कि कस्टमर को अपने दें तो कस्टमर दुखी हो, ऐसा गाड़ी नहीं देंगे, और जो गाड़ी देंगे बिल्कुल अच्छी कंडीशन में अच्छी गाड़ी देंगे। भैया ये जो फेजर वेजर है पूरा सब कुछ ओरिजिनल, वाइजर वाइजर सब कुछ ओके है, ठीक है। अब भैया इसकी फेयरिंग वेयरिंग सब बताया, ओके है, कोई बदली हुई नहीं है, लड़ी भिड़ी देते नहीं है। 2019 की RC क्या डिमांड करेंगे? 1,45,000 डिमांड है, नेगोशिएबल तो है ही है, कुछ हो जाएगा। से भाई हैं जो कहते हैं कि आप कहते हैं नेगोशिएबल हो जाएगा पर आप करते नहीं, तो भाई कुछ बाइकें होती हैं जिन पे नहीं कर पाते, ठीक है, और बाकी तो आप लोगों को मिलता ही डिस्काउंट, ऐसा है, ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें ना दें उस पर हमारा रेफरेंस दीजिएगा, हमसे कॉल करा लीजिएगा इंस्टाग्राम के थ्रू, हम कम करा देंगे। और बाकी भैया अपने पास एक हमारी फेवरेट कलर है R15 ग्रे रेड जी, इसकी डिटेल दे दिया, ये 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, भी फर्स्ट ओनर है, V3 है, V3 R15 वर्जन 3, ठीक है, और ये 12,112 चल चुकी है, 12,112 चली हुई 2018 की है जी, फर्स्ट ही ओनरशिप है, फर्स्ट ओनर है, टायर वायर अभी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू लगभग है, बिल्कुल ओके, मतलब ये गाड़ियां ऐसी हैं जितनी भी गाड़ी हमने दिखाई कुछ काम कराने वाला नहीं है, ना ना कि मेजर इंजन में काम हो या कुछ है, ऐसी गाड़ियां मैं लेते ही नहीं भाई, ठीक है, इसीलिए अपने पास कम गाड़ियां होती है, पर जितनी भी होती है कंडीशन अच्छी होती है, कंडीशन अच्छी मिलेगी, हो सकता है कुछ में आपको प्राइसिंग ज्यादा लेके, लेकिन गाड़ी ऐसी है कि आप की लगाइए, फ्यूल डलाइए और लेके दिल्ली भी निकल जाइए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी, कुछ नहीं करना। ओके, फर्स्ट ही ओनरशिप 2018 की V3 है, 12,000 कुछ 800 या 600 बताया जी, क्या डिमांड करेंगे? इसकी डिमांड है 1,25,000 रुपए, 1,25,000 की R15 V3 मिल रही है। अब अपने पास भैया एक और बहुत बढ़िया कंडीशन में एक खड़ी है 250 ड्यूक जी हाँ, उसकी भी डिटेल दे दीजिए, ये 250 सीसी है ड्यूक, 2018 का मॉडल है, ओके जी, और ओनरशिप क्या है? फर्स्ट ओनर है, और ये भी बहुत न्यू कंडीशन गाड़ी है, नॉन स्क्रैचेस चली है, ओके, स्क्रैचेस जिसको कहते हैं वैसी गाड़ी है, चली कितना होगी ये? 12,000 चल चुकी है गाड़ी, 12,000 शायद 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर चली होगी, ओके, मतलब सारी गाड़ियां अपने पास आज सारी लेस ड्रिवन ही गाड़ियां थी। अब ये ड्यूक 250 की फाइनल आप प्राइसिंग क्या रखेंगे? 1,65,000 रुपए, 1,65,000 में आपको ड्यूक मिल रही है 250, बगल में भी एक ड्यूक 125 खड़ी है भैया जी हां, 125 है, तो आज आपको ड्यूक मिलेगी और माइलेज वाली गाड़ी ड्यूक मिलेगी, चाहे वो आरसी में हो चाहे नॉर्मल ड्यूक हो। अब इसकी भी डिटेल दीजिए भैया, कौन सा मॉडल है? 2019 का मॉडल है, लास्ट का, 2019 का लास्ट का है, ओनरशिप क्या है? फर्स्ट ओनर है, कितना चल गई होगी ये गाड़ी? 11,000 चल चुकी है, 11,000 जी, ओके, 11,000 चली हुई है, ड्यूक है, 125 है, जितनी भी गाड़ियां थी भैया लगभग सारी लखनऊ ही नंबर थी, लखनऊ नंबर पे ही मैं डील करता हूं, ओके, अपने पास यानी लखनऊ ही नंबर मोस्टली मिलेंगी, ज्यादातर लखनऊ की ही मिलती हैं। और अब इसकी फाइनल प्राइसिंग क्या करेंगे? इसकी 1,30,000 रुपए, 1,30,000 में आपको ड्यूक मिल रही है, बगल में भैया इस साइड आप आएंगे FZ खड़ी है भैया, इसकी भी डिटेल दे दीजिए, FZ वर्जन 3 मॉडल है ये, ठीक है, जो ये 2019 का मॉडल है, ओके, ऊंचा मॉडल है जी हाँ, फर्स्ट ओनरशिप है, फर्स्ट ओनर है, ओके, ये कितना चली बताया आपने? ये चली है 11,223, 11,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, अच्छी कंडीशन में FZ खड़ी है, वर्जन 3 ये भी है भैया जी हाँ, वर्जन 3, ओके, ब्लैक कलर
में है, बढ़िया कंडीशन में, कोई अपने यहाँ एक्सीडेंटल नहीं होती है, किसी तरीके से लड़ी बड़ी गाड़ी नहीं डील की जाती है। यहाँ आइए, जो भी डाउट है वो क्लियर करा लीजिए, आप कंपनी में ले जाइए, रिकॉर्ड निकलवाइए, उसके बाद डील करिए। भैया इसकी फाइनल प्राइसिंग क्या करेंगे? ये 88,000 रुपए की मिल जाएगी। 88,000 जी। अभी एक प्लस में है? हाँ, अभी तो एक प्लस में, तो एक प्लस में है ही जी। ओके, अब हम आ जाते हैं अपाचे के पास, इसकी भी बहुत डिमांड है और सबसे बढ़िया कंडीशन वाली, सबसे पॉपुलर जो गाड़ी जिस कलर में हुई थी वो खड़ा है, ग्रे कलर। इसकी भी डिटेल दे दीजिए। ये 2013 का मॉडल है, लास्ट का। ओके, ठीक है। ये समथिंग 20 से 22000 चल चुकी है गाड़ी। ठीक है, ओनरशिप क्या है? ओनरशिप सेकंड है इसकी। ठीक है। आपने 20-22 बताया भैया, कोई मीटर टेम्परिंग तो नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं हमने। ओके, बाकी पेंट वेंट ये पूरा ओरिजिनल ही है? हाँ, ओरिजिनल पेंट है। ओरिजिनल है, पेंट में ओरिजिनल है एकदम। बाकी जिसको भी डाउट हो वो चेक करा ले, बिल्कुल चेक करा ले भाई। अब क्या डिमांड करेंगे इसकी? 38,000 रुपए। 38,000 अपाचे RTR 160 सेकंड ओनर 2013 की। आ जाते हैं भैया, आप स्कूटी सेगमेंट में भी हम लोग डील कर रहे हैं। अब एक अपने पास फसीनो खड़ी है यामाहा की, इसकी भी डिटेल दे दीजिए। ये 2019 की लास्ट मॉडल है, ठीक है, फर्स्ट ओनर है। ओके, और समथिंग 14,000 चल चुकी है गाड़ी। कंडीशन भैया ये जितनी भी है ओरिजिनल है, जितना भी पेंट वेंट है कुछ भी, पूरी ओरिजिनल है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी। मतलब जिसने भी रखा है उसने बहुत संभाल के रखा है, भैया ने कहा है बिल्कुल शाइन प्रॉपर है। सिनेमेटिक में आप देख रहे होंगे कैसे कंडीशन की गाड़ी है, यामाहा की फसीनो है। और भैया ये भी 90 के आसपास आ रही है। 90 के आसपास आ रही है। ओके, अब ये भी गाड़ी बढ़िया है, एक्टिवा सेगमेंट की है, उससे थोड़ा सा स्टाइलिश गाड़ी है। 2018 भी है, 19 लास्ट की है, एल सीरीज में गाड़ी है। ओके, क्या डिमांड करेंगे इसके? 58,000 रुपए। 58,000 जी। 19 लास्ट की है, लगभग 20 में आ रही है अब समझ लीजिए, और 58,000 डिमांड कर रहे हैं, नेगोशिएबल है ही है। हां, कुछ अब अपने पास भैया सबसे ज्यादा स्कूटी सेगमेंट में जिसकी डिमांड होती है वो भी खड़ी है, एक्टिवा जी। 3G है? हां, 3G एक्टिवा। डिटेल दे दीजिए। 2015 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। ओके, और कितना चल गई होगी ये? ये चली होगी समथिंग 16,000 के आसपास। 16,000 चली हुई, यानी टायर वायर अभी कंपनी के ही सब लगे हुए हैं। ओके, फर्स्ट ओनरशिप 2015 की है, 2015 मॉडल, ब्लैक कलर की एक्टिवा है, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, और एक्टिवा का कोई कंपटीशन, जिसको एक्टिवा लेना वो एक्टिवा ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी डिमांड क्या करेंगे? कोई गाड़ी नहीं समझ में आ। इसकी डिमांड क्या करेंगे? इसकी 38,000 रुपए करेंगे। 38,000। हाँ, ओके, 38,000 रुपए में। तो 38 में मनु अपाचे ले जाइए और मनु एक्टिवा ले जाइए, और 38 से कम में मनु R1 भी ले जाइए। तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, मनु आप स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक ले जाइए, मनु नॉर्मल बाइक ले जाइए, मनु एक्टिवा ले जाइए। अभी हमने सस्ते में ही तीनों बाइक दे रहा हूँ मैं। ओके, बहुत से कस्टमर कह रहे थे भाई 50 के अंदर की बजट, तो मतलब आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको गाड़ी देंगे, सबको देंगे। अब भैया हमने सारी डिटेल दे दी, हम ये चाहेंगे कि फाइनेंस की क्या प्रोसीजर चल रहा है अपने यहाँ, फाइनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइनेंस हो रहा है, फाइनेंस अवेलेबल है। ओके, पर जो भाई है अपने जो कहते हैं कि मैं बाहर की आईडी है मेरी, तो ऐसा मसला है भाई कि लोकल में ही लोन हो पाता है। ओके, तो लखनऊ आईडी होगी आपकी तो हो जाएगा फाइनेंस। ओके, अगर बाहर की अगर है तो उसके लिए मैं आपको बैंक का नंबर दे दूंगा बंदे का, आप उससे पूरी डिटेल ले लीजिए, चेक करा लीजिए। ओके, जैसे वो पेपर्स कहता है, अगर आपके पास पेपर्स अवेलेबल है वो, तो लोन हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, मतलब आपकी प्रोफाइल पे है कि लोन हो पाएगा कि नहीं। फिलहाल यहाँ फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है जी, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, भैया बता देंगे, अगर आपका होना होगा अपनी नॉलेज में तो खुद ही बता देंगे, अदरवाइज फाइनेंसर का नंबर दे देंगे, फाइनेंसर का नंबर दे देंगे। भाई हम किस जगह खड़े हुए हैं ये बताइए, और किस समय लोग कॉल करें अपने को सहूलियत होगी? ये लखनऊ में निशादगंज करावन मार्केट है। ठीक है, ठीक है। और कॉल करने का जो समय है वो सवेरे 11 बजे 11 AM to 7 PM तक ही करें। ठीक है, तो 11 से 7 के बीच में 8 घंटे का समय है, इस बीच कॉल करिए, जिस समय आप गाड़ी लेने देखने जाएंगे उसी समय कोशिश करिए कॉल भी करें, मतलब एक दो दिन पहले भी कॉल करिए, ये नहीं कि देखने जा रहे उस समय कॉल करें, मतलब टाइमिंग वही रखिए, दिन में देखने जाएंगे तो लगभग दिन में ही कॉल करिए। और बाकी भैया मिलते हैं ऐसे ही कुछ दमदार कलेक्शन के साथ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट यू ही मिलते रहे। तब तक के लिए कोरोना सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।